अधिकारों को संरक्षण देने वाली संस्थाएं। संविधान के द्वारा हमें दिए गए विभिन्न अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा बच्चों, जरा याद कीजिए वो कौन कौन से अधिकार थे, जैसे कि सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और ऐसे कई अन्य। अब प्रश्न ये उठता है, यदि ये अधिकारों का सही प्रयोग ना किया जाए या इसका सही पालन ना हो तो हमारे देश में कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आज इस विषय में हमारे साथ खुर्शीद जी हैं जो हमें और इस विषय में बताएंगे, इस विषय के बारे में हमें और गहराई में उतारेंगे। खुर्शीद जी ये बताइए, क्या हमारे देश में ऐसी कोई संस्था है जो सुनिश्चित करती है कि ये सभी अधिकारों का सही रूप में पालन किया जाए, इनका संरक्षण करती हो? जी शालिनी जी, बिल्कुल ऐसी संस्थाएं हैं और जैसा कि आपने कहा कि हमारे संविधान ने बहुत सारे अधिकारों की घोषणा की है जी, और सरकार का ये कर्तव्य है कि उसका पालन किया जाए, लेकिन अगर पालन नहीं होता है तो फिर ऐसी संस्थाओं की भूमिका सामने आती है। हमारे देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे अधिकारों का संरक्षण करती हैं। बच्चों, आपने इनके बारे में पढ़ा भी है और हम आगे उनकी जानकारी देते हैं। इन सारी संस्थाओं में सबसे अहम भूमिका हमारी न्यायालय निभाती है, और न्यायालय के अलावा भी कुछ आयोग हैं, जैसे मानव अधिकार आयोग, बाल एवं महिला अधिकार आयोग, सूचना का अधिकार आयोग, ये सारे आयोग भी हमारे अधिकारों का संरक्षण करती हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमारे देश में कितनी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती है कि हमारे सभी अधिकार सही रूप में पालन हो और इनका संरक्षण करती है। जिस प्रकार अभी आपने कहा कि न्यायालय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या आप हमारे बच्चों को ये बताएंगे कि किस प्रकार? बच्चों, आपने 8वीं की कक्षा में न्यायपालिका के बारे में पढ़ा, संविधान के बारे में पढ़ा, तो हम ये जानते हैं कि भारत में अगर किसी को न्याय चाहिए तो फिर उस न्याय दिलाने के लिए पूरी न्यायपालिका की व्यवस्था को स्थापित किया गया है, और इस न्यायपालिका में अलग अलग स्तर हैं जहाँ पे न्यायालय हैं, जैसे जिला के स्तर पे हैं, राज्य के स्तर पे हाई कोर्ट हैं, और उच्च न्यायालय जो हमारे उच्चतर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हैं, ये अलग अलग स्तर हैं जी। इसके साथ साथ संविधान ने कुछ मूल अधिकार के बारे में भी कहा है जो हम नागरिकों को, भारत में रहने वाले लोगों को मिलता है। तो जब कोई वाद विवाद होता है एक दूसरे में, पड़ोसी के साथ आपसी मामले में जब ऐसे झगड़े होते हैं तो हम रेगुलर कोर्ट्स में जाते हैं, जिला के कोर्ट में हो सकता है, लेकिन जहां मामला मूल अधिकार का है तब संविधान ने ये प्रावधान दिया है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हमें जिला में जाने की जरूरत नहीं है, हम वहां जा सकते हैं। तो बच्चों ये जानना बहुत जरूरी है कि वे मूल अधिकार कौन कौन से हैं जी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मूल अधिकार पता होने चाहिए जी। जब भी आपको ये लगे कि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आपके पास ये पूरा राइट है कि आप या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।